हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप हेलीकॉप्टर शॉट कैसे खेल सकते हैं। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हाईवे। हाईवे बेसिकली एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि स्पोर्ट्स क्लोथ मैन्युफैक्चर करती है, वो भी कस्टमाइज्ड। आप अपनी मर्जी के हिसाब से क्रिकेट, ई स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बेसबॉल, किसी भी तरीके, साइकिलिंग, किसी भी तरीके के जो स्पोर्ट्स क्लोथ हैं वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, चाहे आपकी टीम का नेम हो और लोगो हो या फिर आपका नंबर हो पीछे जो आप डलवाना चाहे क्रिकेट में, वो सभी अवेलेबल है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, सभी तरीके के आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और साथ ही आप एक जर्सी भी ऑर्डर कर सकते हैं और कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरा जो कूपन कोड है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो 10% का आपको बोनस डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी से जाके शॉपिंग करें और एंजॉय करें अपने गेम को। तो गाइस, जब भी बात आती है हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए तो आपको करना क्या, जो आपका नॉर्मल स्टांस होता है कुछ इस तरीके से, इस स्टांस के साथ आप मुश्किल से ही हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकते हैं। आपको अपने स्टांस में थोड़ा चेंजेस लाना होगा तब आप बेहतर तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर शॉट खेलने के लिए आपको करना क्या, स्टांस को थोड़ा ओपन कर देना कुछ इस तरीके से। अब जब आप स्टांस को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस शूज से लेकर इस शूज तक यहाँ पे एक ब्लॉक होल बन गया है, ऐसा आप देख सकते हैं, ये एक ब्लॉक होल है। और जब इस ब्लॉक होल में बॉल आएगी तो आप बेहतर तरीके से और अच्छा हेलीकॉप्टर शॉट मार सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ब्लॉक होल बन गया, आपका स्टांस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको करना क्या है, बस बॉल का वेट करना कि जो आपका ये होल बन चुका है ब्लॉक होल, इसमें बॉल आए तो आप इजी से उस बॉल को उठा सके। बस अपने स्टांस को कुछ इस तरीके से था, बस ऐसा चेंज करा मैंने और बॉल को आने देना है। बॉल जैसी आएगी तो आपको करना क्या, इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से उठाना है, यहाँ पे रखा है, बॉल को आने देना पूरी तरीके से और बैट को कुछ इस तरीके से उठा देना है यहाँ से। और इस तरीके से आप हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकते हैं। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज होती है वो आपका आइज और हेड बिल्कुल स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस स्टांस के साथ जो आपका आइज एंड हेड बिल्कुल स्टेबल नहीं है तो आप बहुत ही मुश्किल से शॉट को खेल पाएंगे। बिल्कुल आइज बिल्कुल एक ही लाइन में होनी चाहिए तब आप बेहतर तरीके से शॉट को खेल पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपका बॉडी बैलेंस। अगर आपको बॉडी बैलेंस अच्छा नहीं है इस शॉट को खेलते हुए तो कभी भी आप बेहतर तरीके से नहीं खेल पाएंगे। बॉडी बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए तब जाके जैसी बॉल आएगी आप बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से बॉल को उठा सकते हैं। तो बॉडी बैलेंस बहुत जरूरी है, आई एंड जो हेड कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा होना जरूरी है, तब जाके आप बेहतर तरीके से हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकते हैं। अब जो चीज़ आती है वो प्रैक्टिस। ये शॉट काफ़ी ज़्यादा कठिन है क्रिकेट में। आपको पता है MS धोनी सर इस शॉट को सबसे बेहतर तरीके से खेलते हैं। अभी रिसेंटली हार्दिक पांड्या वो भी बहुत बेहतर तरीके से इस शॉट को खेलते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस नहीं है तो आप कभी भी इस शॉट को बेहतर तरीके से नहीं खेल सकते। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो अपना बैट है उसके साथ टेनिस बॉल्स का यूज़ करना है। अगर आप टेनिस बॉल का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता है हेलीकॉप्टर शॉट ज़्यादातर टो से लग के या फिर यहाँ से लग के सिक्स जाता है, तो आपका जो बैट है उसको आपको लगातार टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करनी है। टेनिस बॉल से लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है इस स्टांस के साथ और इस स्टांस से ही शॉट मारने हैं। अगर आप लेदर बॉल का यूज़ करेंगे तो आपके बैट के क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको लगातार टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करनी है और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल चाहिए तब जाके आप हेलीकॉप्टर शॉट मार सकते हैं। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बता दिया कि आप कैसे हेलीकॉप्टर शॉट खेल सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड शानदार ट्यूटोरियल वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए खेलो इंडिया, बड़ो इंडिया।